हेलो फ्रेंड्स मैं सरोज फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम स्क्रू ड्राइवर के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक्चुअली एक्सरसाइज 21 और एक्सरसाइज 22 इन दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है सिर्फ 16 क्वेश्चन बने हैं तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हंड्रेड सिक्स टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज़ यूज वेयर नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ द लेंथ किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है जहाँ लंबाई के कारण सामान्य स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिए मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा आज से क्योंकि आप में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किए हैं क्योंकि ऑप्शन बोलने से टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली सही बात है आप ऑप्शन देख लीजिए मैं कुछ दो तीन सेकेंड का पॉज लेके आंसर बता दूंगा. तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आंसर होगा ऑप्शन डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1907 हंड्रेड सेवन स्क्रू ड्राइवर आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर डेस्क के अनुसार निर्दिष्ट होते हैं देख लीजिए आप ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ लेंथ ऑफ द ब्लेड और विथ ऑफ द टिप क्वेश्चन नंबर 1908। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन यूज स्क्रू ड्राइवर ब्लेड लेंथ इज आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले स्क्रू ड्राइवर ब्लेड की लंबाई कितनी होती है आंसर इज ऑप्शन ए फोर्टी फाइव एम एम टू थ्री हंड्रेड एम एम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हंड्रेड नाइन स्पैनर आर मेड ऑफ स्पैनर डेस्क से बने होते हैं गैस कीजिए आंसर हाँ सही गैस किया आपने ऑप्शन ए क्रोम वैनेडियम स्टील क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टेन डबल एंडेड स्पैनर इज अवेलेबल इन ए सेट ऑफ डबल एंडेड स्पैनर डेस्क के सेट में उपलब्ध हैं देख लीजिए आंसर कौन सा होगा गेस कीजिए आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इलेवन डबल एंडेड स्पानर सेट साइज बिटवीन डबल एंड्रेड स्पानर सेट का आकार डेस्क के बीच में आता है आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्वेल्व प्लायर्स आर अवेलेबल इन ए साइज बिटवीन प्लायर के आकार डेस्क के बीच में उपलब्ध होते हैं गेस कीजिए आंसर प्लायर का जो मिनिमम होता है साइज क्या होता है आंसर इज ऑप्शन ए वन फिफ्टी एम टू टू थर्टी एम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन थर्टीन साइज ऑफ प्लायर इज डिटरमाइंड बाय प्लायर का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है देख लीजिए आंसर क्या होगा आंसर इज ऑप्शन ए ओवरऑल लेंथ क्वेश्चन नंबर व्हिच टाइप ऑफ प्लायर इज यूज्ड फॉर बेंडिंग एंड फोल्डिंग नैरो पतली सीट धातु की संकीर्ण पट्टियों को बेंडिंग और फोल्डिंग के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है आंसर इज ऑप्शन डी फ्लैट नोज प्लायर। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हिच टाइप ऑफ प्लायर इज यूज्ड टू सेप लूप्स इन वायर एंड टू फॉर्म कफ्स इन लाइट मेटल स्टिप्स तारों में लूप और हल्की धातु की पट्टियों में बकरों को आकार देने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है आंसर इज ऑप्शन ए राउंड नोज प्लय नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सिक्सटीन हुई टाइप ऑफ प्लेयर इज मेनली यूज्ड फॉर ग्रिपिंग ग्रिपिंग के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है आंसर इज ऑप्शन सी स्लिप जॉइंट प्लेयर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लायर इज यूज टू फिट एंड रिमूव द इंटरनल सर्कलिप इन द ग्रुप ऑफ द बोर बोर के खांचे में आंतरिक सर्कल को फिट करने और हटाने के लिए निम्न में से किस प्लायर का उपयोग किया जाता है आंसर इज ऑप्शन ए इंटरनल सर्कलिप प्लायर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एटीन फ्रेंड्स और एक आज से मैं एक ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ जिसमें वहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर तीन फॉर्मेट में दिए गए हैं आप उनमें से देख सकते हैं कौन सा उस आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट में बताइए उसी के हिसाब से मैं और भी क्वेश्चन वहीं पर पोस्ट करूँगा ताकि आपको पढ़ने में इजी हो बहुत सारे पीडीएफ मांग रहे थे लेकिन पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम रीज़न आप समझिए थोड़ा तो इसीलिए मैं उसका दूसरा उपाय निकाला हूँ ब्लॉगिंग के जरिए आप तक सारे क्वेश्चन आंसर पहुँचा पाऊँ तो आप मेरे ब्लॉगिंग के चैनल भी दे सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए हुइच टाइप ऑफ प्लेयर अलाउज़ पैर ग्रिपिंग बाय द जॉर्ज

स्तर के करीब तारों को काटने के लिए किया जाता है आंसर इज ऑप्शन ए साइड कटिंग प्लेयर क्वेश्चन नंबर 1920 ट्वेंटी यह एक्सरसाइज ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एनेमलिंग इज डन एट ए टेम्परेचर खरण की रोकथाम के लिए एनामलिंग देश के तापमान पर की जाती है आंसर ऑप्शन डी 80 डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर एनामलिंग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 1921। द टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यूज डिपेंड अपन उपयोग किए जाने वाले क्षरण की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपचार का प्रकार निर्भर करता है इनमें से कौन सा होगा आंसर आंसर इज ऑप्शन डी ये सारे ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में, में मेरा ब्लॉगिंग का लिंक है उसमें आप देख लीजिए कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वहाँ पर क्वेश्चन है और उसका जस्ट नीचे आंसर दिया गया है और एक फॉर्मेट है एक चैप्टर वाइज के एंड में आंसर दिया गया है और एक फॉर्मेट है एकदम पूरा एंड में दिया गया है आंसर आपको उनमें से पढ़ने के लिए कौन सा इजी रहेगा हैश टैग वन हैश टैग टू और हैश टैग थ्री में अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर है तो उनमें से आप बताइए कौन सा पसंद है आपको तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं थैंक यू